नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गाने की पिच या स्पीड कैसे चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी। तो दोस्तों, चलिए मैं बता दूं कि आप कैसे म्यूजिक की स्पीड और म्यूजिक की पिच कैसे चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों, चलिए इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको तुरंत देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको टाइप करना होगा MUSIC, सॉरी हिंदी से है, इंग्लिश से कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा इंग्लिश से हो गया MUSIC, सॉरी दोस्तों, MUSIC म्यूजिक, SPEED स्पीड, चेंजर CHANGER। तो चलिए दोस्तों, आप इतना लिख के सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, ये ऐप्स मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने इंस्टॉल इसलिए कर लिया है क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनानी पड़े। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आप कैसे किसी भी म्यूजिक की पिच और स्पीड दोनों चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा ऐप्स, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फाइल खुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो या ऑडियो किसी भी प्रकार के फाइल को आप स्पीड या पिच दोनों चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये म्यूजिक सेलेक्ट किया। तो दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि जैसे ही हम इस गाने को प्ले करेंगे, तो दोस्तों हमें इस तीर के चिन्ह पे जाना होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये गाना हमारा सेलेक्ट हो गया। गाने को हम, सॉरी, ये गाना ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम दूसरा गाना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये गाना सेलेक्ट कर लिया, तो चलिए हम इसे प्ले करके देखते हैं। दोस्तों, ये गाना हमारा प्ले हो चुका है। और देखिए दोस्तों, ये पिच का जो ऑप्शन है, तो दोस्तों इसे जैसे ही हम बढ़ाएंगे, वैसे भी हमारे म्यूजिक की पिच चेंज होगी। मतलब पिच का मतलब कि आवाज़ चेंज हो जाएगी। जैसे ही अपन बढ़ाएंगे, उतनी ही बारीक पतली आवाज़ होती जाएगी, और जितना ही कम करेंगे उतनी ही भारी आवाज़ होती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पिच मैंने बता दी, अब आपको बताना होगा कि स्पीड मैं कैसे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि स्पीड, ये टेम्पो जो है, तो इसे जितना ही बढ़ाएंगे उतनी ही अपनी स्पीड बनेगी, और जितना ही कम करेंगे उतनी ही स्पीड अपनी स्लो होगी। और दोस्तों, ये ही नहीं, इस ऐप्स में कुछ और भी खास चीज़ें हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि और खास क्या है। तो ये तीन डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक किया तो इस पर क्लिक करने के बाद ये इक्वलाइजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। तो दोस्तों, यहाँ से आप बैलेंस भी मिला सकते हो। बैलेंस का मतलब कि यदि आप हेडफोन यूज करते हैं या ईयरफोन यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी लेफ्ट वाला साउंड बोलता है, कभी राइट वाला। तो दोस्तों, यही बैलेंस मिलाने के लिए ये बैलेंस का ऑप्शन है कि किस साउंड को हम कितना तेज बजाएं। तो चलिए दोस्तों, इसे ऑफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और दोस्तों, ज़रूरत पड़ती है हमें कभी कभी इसकी, जो ये प्रेम पे लिखा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि
आपका म्यूजिक बहुत ही लो क्वालिटी का है, बहुत ही लो क्वालिटी में आवाज है उसकी। तो दोस्तों चलिए, उसे यदि आप तेज करना चाहते हैं उसको, तो तेज करने के लिए मैं बता दूं कि इसे ऑन कर लीजिए, और ज्यों ही हम इसे बढ़ाएंगे तो म्यूजिक की आवाज डबल होती जाएगी, मतलब दोगुनी बढ़ती जाएगी। ये देखिए, जितना ही बढ़ाते हैं उतनी ही अधिक होती है। और दोस्तों ये इक्वलाइजर का ऑप्शन है, इसे यदि ऑन कर लेते हैं अपन, तो दोस्तों ये ऑन हो गया। अब आप जैसी भी आवाज़ मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, जैसी भी मिलाना चाहते हैं। ये देखिए, हम जैसे ही मिलाते हैं वैसे भी आप मिला सकते हैं। चलिए, तो इसे ऑफ कर दिया। और भी मैं बता दूं कि और इसमें क्या है, तो चलिए दोस्तों, कुछ समय लग रहा है। तो दोस्तों ये जो ये चिन्ह है, ये वाला डॉट्स के जस्ट बगल में जो है, तो इससे यदि आप म्यूजिक की पिच या स्पीड चेंज करके उसे सेव करना चाहते हैं, तो ये सेव करने के लिए तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, जिसमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, ये बता दिया कि यहाँ से फाइल सेव होगी। और दोस्तों इसमें कुछ एक और ख़ास चीज़ है जिसे हम नहीं जानते हैं या यूज भी करते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ कम जानकारी है। तो दोस्तों ये जो लूप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम शुरू से गाना प्ले करते हैं, तो कोई भी वर्ड या कोई भी डायलॉग वगैरह डले रहते हैं, तो जैसे दोस्तों हम इसे निकालना चाहते हैं तो हम म्यूजिक को शुरू से प्ले करेंगे और लूप ए पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ए पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद म्यूजिक को प्ले करेंगे। जैसे कि इसमें ये डायलॉग डला हुआ है, तो इसे निकालना चाहते हैं यदि, तो जब ये डायलॉग ख़त्म होगा तो अपन बी पे क्लिक कर देंगे। ये बी पे हमारा क्लिक हो गया, अब हमारा उतना ही डायलॉग रिकॉर्ड हो गया। तो दोस्तों इसे हम सेव करेंगे, तो ये सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेव लूप ओनली, तो यहाँ पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। जे हुई ओके करेंगे, हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। तो चलिए, हमने ये बता दिया आपको, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।